हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीपी लॉ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। एज आई हैव इन्फॉर्म्ड यू दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच विद सिविल प्रोसीजर कोड फ्रॉम टुडे एंड दिस इज 14 फरवरी 2023। जैसा कि मैंने आपको पहले से ही बता रखा है कि आज 14 फरवरी 2023 से सीपीसी के जरिए एक नया बैच में शुरू करने जा रहा हूं जुडिशियल सर्विसेज, चाहे हायर जुडिशियरी के लिए हो आप या जूनियर डिवीजन के लिए हो। और मैंने आपको एक बात और बताई है कि शुरू की 5 दिन की क्लास 200 रुपीज के रजिस्ट्रेशन पर आपको मिल रही है। आफ्टर 5 डेज You have to decide that whether you have to go with me or not. 5 दिन के बाद आप डिसाइड करिएगा। इन 5 दिनों में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, मैं वो बताने जा रहा हूं। 5 दिनों में आज 14 फरवरी और कल 15 फरवरी दो दिन सीपीसी के पूरे स्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। 16 फरवरी को मैं आपको बताने वाला हूं काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकारिता के प्रकार। और जब मैं ये हेडिंग बोल रहा हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें क्या है, ज्यूरिसडिक्शन इज काइंड ऑफ पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, एग्जीक्यूशन ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट वाइज ज्यूरिसडिक्शन। नो डियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट द टू काइंड्स ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, द ज्यूरिसडिक्शन मेंशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 9 एंड द ज्यूरिसडिक्शन अबाउट विच द प्रोविजन हैव बीन लेट डाउन अंडर सेक्शन 15-25। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन टू काइंड ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, इन दो प्रकार के क्षेत्राधिकारिता में क्या अंतर है, जो धारा 9 में ज्यूरिसडिक्शन है सिविल न्यायालयों का क्षेत्राधिकार और जो धारा 15 से 25 में है, इसमें क्या अंतर है। आप केसेस पढ़ते होंगे, कहीं मिलता होगा कि अगर क्षेत्राधिकारिता का अभाव है तो आज्ञप्ति शून्य होगी। कहीं आप पढ़ते होंगे कि क्षेत्राधिकारिता के अभाव का भी कोई प्रभाव नहीं है जब तक कि अन्याय न हुआ हो। इन दोनों में क्या अंतर है और फिर ये दो अलग अलग बातें, विपरीत बातें कैसे कही जा रही हैं? ये दोनों विपरीत हैं या दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं? हमें विपरीत लग रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि उल्टी बातें की गई हैं। तो ये हमारी अपनी गलती है, हमने सीपीसी को समझा नहीं है। आइए 16 फरवरी की क्लास में आप शाम को 7:30 बजे 16 फरवरी की क्लास में आपको समझाऊंगा कि दोनों प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन में क्या अंतर है, कहां डिक्री पारित होने पर शून्य होती है और कहां पारित होने पर यदि अन्याय नहीं हुआ तो प्रभावी बनी रहती है। मैं आपको यह समझाऊंगा। इसके अलावा मैं 17 फरवरी को आपको पढ़ाऊंगा काइंड्स ऑफ डिक्री, आज्ञप्ति के प्रकार। यहां भी आपको लगेगा कि डिक्री का मतलब प्रिलिमिनरी, फाइनल, प्रिलिमिनरी एंड फाइनल। नो डियर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिक्री, द काइंड्स ऑफ डिक्री सच एज कॉन्ट्रैक्ट डिक्री, कॉन्सेंट डिक्री, कॉन्टिंजेंट डिक्री, एक्स पार्टी डिक्री, डिक्लेरेटरी डिक्री। मैं इन सब प्रकार के डिक्रीज के बारे में बात कर रहा हूं, यानी मैं बात कर रहा हूं संविदा पर आधारित डिक्री, सहमति पर आधारित डिक्री, समास्थित डिक्री, एक पक्षीय डिक्री, घोषणात्मक डिक्री। एक क्लास में आपको इसे पढ़ा दूंगा। यह क्लास होगी 17 फरवरी को। तो आज यानी 14 और कल यानी 15, 14-15 फरवरी को सीपीसी के स्वरूप पर चर्चा होगी, जिससे कि आप जो आगे के मेरे लेक्चर समझने लायक हो जाए। 16 फरवरी को क्षेत्राधिकारिता पर मैं चर्चा करूंगा, ज्यूरिसडिक्शन पर सेक्शन 9 और 21 में क्या अंतर है। 17 फरवरी को मैं चर्चा करूंगा आज्ञप्ति के प्रकार पर, और 18 फरवरी जो पांचवा दिन होगा को मैं चर्चा करूंगा एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री गार्निशी।
गार्निशी के विरुद्ध आज्ञप्ति का निष्पादन। ये गार्निशी प्रोविजन क्या है? तो पांच दिन में क्या चर्चा मैं करने वाला हूं आपको बता दिया। महज 200 रुपए इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है। आप इन पांच दिनों में मेरे साथ होइए और फिर डिसाइड करिए कि पूरी क्लास पढ़नी है कि नहीं पढ़नी, ठीक है? रजिस्ट्रेशन के लिए नंबर नोट करिए 8957568536। 200 रुपीज इस पर भेज करके रजिस्ट्रेशन करिए, व्हाट्सएप पे अपना नाम, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट भेजिए। लिंक आपको 7 बजे शाम को मिलेगा, जूम ऐप से क्लासेस होंगी। सो वी विल बी कनेक्टेड ऑन जूम ऐप एंड द लिंक विल बी सेंड टू यू टिल 7 PM। द क्लासेस विल बी फ्रॉम 7:30 PM एंड द ड्यूरेशन ऑफ क्लास वुड बी 1 आवर, 7:30 to 8:30, दैट वुड बी सफिशियंट। ऑनलाइन क्लास 1 घंटे बहुत होती है। तो आप महज 200 रुपए में ये 5 क्लास ज्वाइन करिए, देन आप डिसाइड करिए कि आगे आपको सीपीसी मेरे साथ कंटिन्यू करनी है अथवा जैसा आपको ठीक लगे। फिर से नंबर बोल रहा हूं 8957568536। थैंक यू।